हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 121 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। BSC अकेडमी में ये टेस्ट अवेलेबल है। देखो, आज का सवाल हम लोगों का क्या है, क्या बोल रहा है। अनुभव एंड बमन आर सिचुएटेड एट टू डिफरेंट पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट पे ये दो लोग अवेलेबल हैं। यहाँ पे पी और क्यू दो डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, इफ दे स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम देन दे विल मीट ईच अदर इन 1 आवर 48 मिनट। ठीक है, सबसे पहले 1 आवर 48 मिनट को सबसे पहले आवर में चेंज करो। इसको चेंज किया तो 12 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, यानी कि ये हमें दिया 9/5 आवर। ठीक है, बोल रहा है कि जब दोनों एक ही समय में एक ही दिशा में मतलब इधर से एक चलता है और इधर से एक चलता है एक ही समय में, तो क्या बोल रहा है कि वो 9/5 आवर में पहुंच जाते हैं। तो मान लिया मैंने ये डी डिस्टेंस है, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए ही बोल दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी बोल दे रहे हैं। तो पहला कंडीशन जो हम लोग का है वो क्या है, ये डी डिस्टेंस से लोग को ट्रैवल करना है, स्पीड ऑफ ए प्लस में स्पीड ऑफ बी, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से उन लोगों को लगा समय कितना, 9/5 आवर। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अनुभव एंड बमन, अनुभव और बमन का स्पीड का रेशियो बताना है गिवन दैट टाइम टेकन बाय अनुभव। ठीक है, समय जो लगा अनुभव को टू ट्रैवल द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करने में, यानी डी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अनुभव को जो समय लगा है इज 1.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाई बमन टू ट्रैवल। बमन के टाइम से 1.5 आवर अधिक है। तो बमन को अगर टी आवर लग रहे होंगे तो अनुभव को कितना लग रहा होगा, टी प्लस 1.5 आवर। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें तो मुझे मालूम हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। स्पीड बराबर, जब समय इतना लग रहा है तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे में क्या, टी प्लस 1.5। ठीक है, और बी के लिए स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे में क्या, टी। इसी चीज़ को जस्ट हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या होगा, डी बटे में डी बाई टी प्लस में 1.5 और प्लस में डी बाई में टी। यहाँ तो ये साफ साफ दिख रहा है ये डी 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 खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब ये खत्म हो गया तो हमारा होगा क्या, ये 9/5 को भी हम लोग साइड में रख दे रहे हैं, इसी को सबसे पहले सॉल्व करें। ये होगा क्या, नीचे में जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा, टी इंटू टी माइनस टी सॉरी टी प्लस में 1.5। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, जब ये टी इधर जाएगा यहाँ पे टी और यहाँ पे टी प्लस 1.5, यानी कि ये हमें देगा 2t + 1.5। ठीक है, और यही हमारा किसके बराबर है, 9/5 के बराबर है। जस्ट इसी को हमें सॉल्व करना है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 × t² यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा 5t². ठीक है, फिर यहाँ से t इंटू 1.5 तो है ही, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें क्या देगा, 7.5t। ठीक है, इज इक्वल टू 9 × 2 जो हमारा कितना हो जाएगा, 18t, और प्लस में 9 × 1.5 करेंगे तो ये देगा हमें 13.5। बस इसी को इक्वेट करना है, 5t² है हमारा, 7.5t है, 18t इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में देगा, यानी माइनस में कितना दे देगा वो 10.5t। ठीक है, फिर इधर माइनस करेंगे तो ये देगा हमें 13.5 इज इक्वल टू हमारा क्या, 0। देखो डेसिमल में जब भी कोई क्वाड्रेटिक आता है तो इसको सबसे पहले हम लोग डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल हटाने का सबसे बड़ा तरीका अगर 0.5 है तो उसको क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगी चीज़ें तुम्हारी, ये चीज़ें जो हो जाएंगी, ये हो जाएंगी तुम्हारी 10t² माइनस में 10.5 का जब आप डबल करोगे तो ये हमें देगा 21t। ठीक है, और यहाँ 13.5 का जब डबल करेंगे तो ये देगा 27 बराबर में क्या, 0। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, टी के वैल्यू निकालेंगे। टी के वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10t² है। आप लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते ही हो, टी माइनस में 27 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 9 × 3 × 3 × 3 27 को 3 × 3 फैक्टर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, 10 को 5 × 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 0 पे आना है। तो यहाँ पे आप देख लो 3 × 3 क्या होगा हमारा, 9, 5 × 10 × 3 क्या होगा, 30, 30 में 9 चला जाएगा हमारा कितना, 21, यानी कि पता चल गया माइनस में 30 होगा और प्लस में क्या होगा, 9, यानी टी की जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आएगी, एक माइनस 30 है तो प्लस में 30,
बटे में क्या 10। अब ये प्लस है तो ये माइनस समझ लेगा, माइनस वाली वैल्यू हमें चाहिए नहीं होती, टाइम कभी माइनस में नहीं होता। यानी कि क्या हो गया वहाँ पे, उसको कितना आवर लग रहे हैं, 3 आवर लग रहे हैं। ठीक है, टी की वैल्यू आ गई 3 आवर। जब टी को वैल्यू 3 आवर आ गई तो हमसे पूछा क्या था, स्पीड ऑफ अनुभव का स्पीड ऑफ वन के साथ रेशियो। यानी स्पीड ऑफ अनुभव एक्चुअली में है क्या, देखो स्पीड ऑफ अनुभव यहाँ पे दिख रहा है हमारा क्या है, डी बटे में टी प्लस 1.5। ठीक है, और स्पीड ऑफ बमन क्या है हमारा, स्पीड ऑफ बमन है डी बटे में टी। ठीक है, तो जब इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी का, तो ये डी डी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, टी हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, टी बटे में क्या बचा, टी प्लस में 1.5। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है, टी की वैल्यू कितनी रख दो, 3 रख दो, और यहाँ पे टी प्लस 5 है, यहाँ पे क्या रख दो, 4.5 रख दो। ठीक है, अब इसे जब काटोगे तो यहाँ से डेसिमल अगर हटा दो तो यहाँ 0 आ जाएगा 15 से 2 बार में, 15 से 3 बार में, और यही हमारा रेशियो ला के देगा 2/3, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2:3। एंड हमारा रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो है 2:3। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।